हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल. स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू डिवाइड द पॉलीनोमियल्स बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड बाय सिंथेटिक डिवीजन. ओके, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताती हूँ, ठीक है, एंड देन हम सिंथेटिक डिवीजन भी सॉल्व करेंगे. तो ये जो मेथड है, वैसे तो ये काफ़ी ईजी है, लेकिन समटाइम्स यू फाइंड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. आई विल गिव यू बेस्ट ट्रिक्स कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो. बेसिकली पहले आप स्टार्ट करने से यहाँ पे देखो कि जो आपका जो गिवन ये पॉलिनोमियल है, ये प्रॉपरली अरेंज है कि नहीं. क्योंकि यहाँ पे देखो, जो आपका डिग्री है वह 2 है, तो 2 1 0, हाँ, प्रॉपरली अरेंज. अगर इनकेस ये क्वेश्चन ऐसे होता है, 7x + 6x² - 20, तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है. तो आप इसको इस तरीके से अरेंज करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट विद द स्टेप्स. ओके, सी, पहले आपको ये टर्म लेना है एंड इसका जो है ये टर्म लेना है. यहाँ पे भी देखो ये प्रॉपरली अरेंज है. पहले x x^1 है एंड देन विद कॉन्स्टेंट. ओके, अब देखो क्या करना है, ये रफ वर्क में करना. 2x में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल गेट 6x², ठीक है. तो 2 3 6 होता है, तो 2 × 3 बराबर, तो 3 मिल गया. और ये x में क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो x² मिलेगा, तो × x बराबर. इट मीन्स आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 3x. ओके, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 3x. तो अभी देखो ये 2 3 6 x × x इज x². अच्छा, साइन का भी आप देख सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव लिया, ठीक है. अब यहाँ पे ये नेक्स्ट टर्म भी मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस, ये भी प्लस, तो 5 3 15, तो +15x. जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा. 7 में से 15 गया, -8x, और नेक्स्ट टर्म को नीचे उतर, तो -20. अब देखो यहाँ पे अभी फिर से ये फर्स्ट टर्म देखो, ये आपको -8x, तो 2x में व्हाट यू विल मल्टीप्लाई टू गेट -8x. सी हियर, ऑलरेडी वी हैव x, बट 2 में व्हाट यू विल मल्टीप्लाई, यू विल मल्टीप्लाई -4, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है, तो ±, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, -4 से. तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली -4. अब मल्टीप्लाई करो, 2 4 - -8x ±5 4 20, अगेन सब्ट्रैक्ट इट, साइन विल गेट चेंज एंड यू विल गेट द वैल्यू एज अ 0. यू कैन ऑल्सो वेरीफाई इट. सी हाउ टू वेरीफाई, ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है, बट पॉलिनोमियल्स में आप कैसे करोगे. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, बराबर. तो डिवाइजर क्या है आपका, 2x + 5 है. क्वेश्चन क्या मिला हमको, 3x - 4 मिला, है ना, प्लस रिमाइंडर क्या मिला, 0. अब ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो. मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है हाउ टू मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल्स. ये फर्स्ट टर्म पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6x², फिर 2 4 - -8x, फिर ये वाला टर्म अगेन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15x, 5 4 20. अब इसको देखो आप सॉल्व करो, 6x² + 7x, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है ना, -20. सी, यू विल गेट द सेम आंसर. तो यहाँ पे ये आपका सम करेक्ट है. इस तरीके से आप रफ वर्क में वेरीफाई भी कर सकते हो. ओके, नाउ ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, दिस वी विल सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन. ओके, सी अगेन दिस इज वेरी इजी मेथड टू सॉल्व दी टू डिवाइड दी पॉलिनोमियल. सी हाउ टू सॉल्व इट. पहले तो हम इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे. देखो ये पहले अरेंज्ड है प्रॉपरली, यस है, लेकिन यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है, तो उसको हम 0 ले लेंगे. तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 3. फिर उसके बाद आता है x², x² का कोएफिशिएंट है -2. देखो साइन में आप बिल्कुल मिस्टेक मत करना, साइन के साथ लेना. अब ये x तो है ही नहीं, इसलिए यू विल टेक 0. फिर उसके बाद में कॉन्स्टेंट, डेट इज -150. आपको यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, x - 4, तो इसका अपोजिट लेना है. -4 है तो यू विल टेक +4, ठीक है. अभी जो फर्स्ट नंबर है ना, इसको डायरेक्टली नीचे उतारो, तो ये 3 आ गया. अब ये मल्टीप्लाई होगा, देखो 4 3 = 12. अब ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 2 गया 10, और साइन बड़े की आएगी, है ना, बिगर डिजिट 10. तो 10 4 = फिर से इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 4 = 40. ओके, अब 40 + 0 = 40. ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 4 = 16, तो 160, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 160 में से 150 गया, तो यू आर गेटिंग 10. ये बचा आपका रिमाइंडर. ओके, अब इसको आपको लिखना कैसे है. सी, ये आपका x - 4 है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x - 4, है ना, सॉरी, डिविजर क्या हो जाएगा आपका, x - 4. और ये आपका कैसे बनेगा, सी, ये कांस्टेंट है ना, तो 40 प्लस, और ये 10 है, तो आपका हो गया ये 10x, और ये हो गया x², तो 3x², और ये प्लस, समझा, प्लस 10, मतलब आपका ये हो गया डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो अगेन वही सेम मेथड से करो. सी, ये पहला x सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 3x³ + 10x² + 40x, ये हो गया,
पहले कभी भी मल्टीप्लाई करना है ना बॉडमास रूल से, फिर माइनस फोर सबके साथ जाएगा तो माइनस फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, फोर टेन ज़ा माइनस फोर्टी एक्स, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन माइनस वन सिक्सटी, और ये रिमाइंडर आपका प्लस टेन। अब इसमें हम लाइक टर्म्स ले लेंगे तो थ्री एक्स क्यूब अकेला है, लाइक टर्म्स में देखो ये है और ये है, तो प्लस टेन माइनस ट्वेल्व इज़ माइनस टू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस फोर्टी माइनस फोर्टी कैंसिल हो गया और माइनस वन सिक्सटी प्लस टेन इज़ माइनस वन फिफ्टी। सी ये आपका मिल गया डिविडेंड है ना, ये आपका डिविडेंड है, सी यू आर गेटिंग द सेम। सो आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर राइट है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड इफ़ यू गेट एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।